आज साइबर क्राइम थाना जनपद वाराणसी को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें किया मोटर्स की फर्जी डीलरशिप दिलवाने के नाम से साइबर ठगी करने वाले गैंग से 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस केस में पूर्व में भी 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, और इसमें पूर्व में भी 550,000 रुपये पैसा फ्रीज हुई थी, और साथ ही साथ जो आज 4 लोग गिरफ्तार करके भेजे गए, उनके कब्जे से 9 मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड और iOS का मोबाइल फ़ोन, और साथ ही साथ एक लैपटॉप फर्जी बैंक खोलने के लिए एक रजिस्टर है, और जो पूरा रिकॉर्ड कीपिंग का एक रजिस्टर, 2 सिम कार्ड और बैंक डेबिट कार्ड 20, और इस मुकदमा संबंधित जो पैसा रिकवर हुई है लगभग 22,000 रुपये बरामद किए गए हैं। ये इनका पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, इसमें वेबसाइट डेवलप करने के लिए भी एक्सपर्ट्स रहते हैं, ये अकाउंट कीपिंग के लिए एक एक्सपर्ट्स रहते हैं, और इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट, जो मिलता जुलता वेबसाइट बना के इसमें से लोगों से एक साइबर फिशिंग करके फर्जी डीलरशिप दिलवाने के नाम से लोगों से पैसा लेते हैं। इसमें ये इनका पूर्व इतिहास है, 63/24 जो साइबर क्राइम थाना वाराणसी का है, और दूसरे 103/22 जो पटना का है, इसमें प्रिय रंजन जो मेन मुलजिम है वो उसका आपराधिक इतिहास है, बाकी लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी देखा जा रहा है। इसमें से ये प्रिय रंजन और सत्येंद्र सुमन, ये तीनों नालंदा का रहने वाले हैं, और रमेश सिंह वो उत्तराखंड का रहने वाले हैं। इस 4 लोगों से ये प्रिय रंजन जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, वो पूरा गैंग को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने वाले प्रिय रंजन हैं, ये मुख्य है।